हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया वीडियो, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की। सो मैं इस वक्त आया हुआ हूं सतनाम नेक्सा और आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं फ्रॉन्क्स को। फेस्टिवल सीजन है तो बहुत सारे आप लोग जो हैं, हालांकि गाड़ी पहले लॉन्च्ड है, पर बहुत सारे आप जो लोग हैं उनकी कुछ ना कुछ क्वेरी होगी रिलेटेड टू न्यू कार्स। सो आई ट्राई कि मैं हर शोरूम पर जाके सारी गाड़ियों की वीडियो बनाऊं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। मतलब ये वाला व्लॉग भी इसलिए बनाएं क्योंकि कमेंट बॉक्स में इस गाड़ी के बारे में बोल रहे थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को आज डिटेल में बताते हैं फ्रॉन्क्स के बारे में। सो दोस्तों, पेश करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। सो सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार से वही टिपिकल चाबी दिखती है जैसी मेरी स्विफ्ट में, बिल्कुल वैसी की वैसी। इधर की तरफ हमारे पास सुजुकी का लोगो और इस तरफ लॉक अनलॉक करने का बटन। सेम टाइम जो सेकंड की मिलती है उसमें भी आपके सेम के सेम फंक्शन मिलते हैं। जो टॉप वेरियंट है इसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार की मिलेगी, लोअर वेरियंट में हो सकता है वैसे वाली चाबी मिले। अब होता क्या है कि जब भी हम किसी भी वेरिएंट के बारे में व्लॉग बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसका टॉप वेरिएंट कवर करें, क्योंकि उसके अंदर बाकी सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती है। अब चाबी को तो हम रखते हैं पॉकेट में। सो कीलेस एंट्री है तो इसकी ऐसा कोई लोड वाली बात नहीं है। अब शुरू करते हैं फ्रंट से। तो सबसे पहले आपके पास में बहुत खूबसूरत यहाँ पे सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा। उसी के साथ में ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार का आपको एक डिज़ाइन एलिमेंट, पियानो ब्लैक के अंदर ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है उसके साथ ये मिलकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसके नीचे की तरफ जो ग्रिल है उसके अंदर कुछ इस प्रकार का आपको डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा। अब ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है ये आपको वहाँ पर खड़ी हुई जो दूसरी है हाई क्रॉस की बहन सो इनविक्टो जो है उसमें भी सेम के सेम ग्रिल वाला एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। फ्रंट के अंदर यहाँ पर एक हॉर्न और एक यहाँ पे दो आपको टीटी हॉर्न्स मिलते हैं और उसी के साथ के अंदर बीचों बीच कैमरा मॉड्यूल। तो ये वाला जो वेरिएंट है ये 360 आपको इसमें कैमरा मिल रहा होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी आज के टाइम। जितनी भी गाड़ी आ रही है धीरे धीरे, मैं जब XUV700 का ब्लॉग बना रहा था तो मैंने चीज़ आप लोगों को बोली थी कि धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं ना ये हर गाड़ी में आपकी कवर होने लग जाएगी। उसी के साथ में अंदर की तरफ यहाँ से आपको दिख रहा है रेडिएटर और इस तरफ आपको दिख रहा है इंटरकूलर। देख पा रहे हो इसकी फिन्स अलग है और इसकी फिन्स अलग है। इट मीन्स अगर किसी में इस प्रकार का आपको इंटरकूलर दिख रहा है, इट मीन्स ये इंजन है टर्बो। अब कौन से इंजन ऑप्शन है थोड़ी देर में उसके ऊपर भी आएंगे। जैसे आप इस तरफ आते हो वैसे ही आपके पास में यहाँ पर एक क्रोम एलिमेंट चलता हुआ यहाँ पर आ रहा होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के क्यूब शेप के अंदर इंडिकेटर्स प्लस DRL मिल रही होती है। नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार की शेप में आपको यहाँ पर जो लाइट है वो मिल रही होती है और इसके अंदर आपको रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प मिल रहे होते हैं। लो बीम, हाई बीम या तीनों क्यूब्स मिलके दिख रहे होते हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत है। हालांकि लाइट जो है वो यहाँ तक है और ये जो जगह है, मतलब ये दिखने में आपको पूरा दिखेगा मगर लाइट का पार्ट इतना है। उसके नीचे की तरफ यहाँ पियानो ब्लैक के अंदर थोड़ा और एलिमेंट एड ऑन है। अब ये वाला जो व्हीकल है, मतलब फ्रॉन्क्स, ये हमने ऑटो एक्सपो में देखा था, मगर भाई लोगों उस वक्त इतनी तो भीड़ थी कि हमें ये गाड़ी छूने तक को मिली नहीं। और मारुति सुजुकी वालों के हम उतने अभी अच्छे दोस्त नहीं बने कि हमको कोई मीडिया ड्राइव के अंदर व्हीकल मिले, पर कोई बात नहीं, लेट ही सही। आप लोगों को जिस दिन गाड़ी देख रहे हो, मतलब आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स आप ये गाड़ी लेना चाहते हो, तो हमारी कोशिश ये है कि आपको इस गाड़ी का डिटेल्ड एक्सपीरियंस मिले। चलो थोड़े से आगे बढ़ते हैं। अब नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास एक रिकवरी पॉइंट मिलता है और उसके नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखने वाली आपको स्किड प्लेट डिज़ाइन। तो ये जो सिल्वर एलिमेंट है ये यहाँ से चलता हुआ उधर की तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को थोड़ा सा SUV-ish लुक मिल रहा होता है। नीचे की बात करें तो कुछ इस प्रकार से दिख रही होती है। 190mm को इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो कार के हिसाब से 190mm जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मोर देन इनफ है। छोटी मोटी बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस गाड़ी के अंदर दो इंजन आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं। सो 1 लीटर एंड 1.2 लीटर का इंजन, क्या परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सेम टाइम पर फ्रॉन्क्स के अंदर आपको CNG प्लस पेट्रोल दोनों फ्यूल ऑप्शंस भी मिलते हैं, तो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राइव है वो CNG वेरिएंट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ से इस तरफ। तो जैसे आप यहाँ आते हो, सबसे पहले एक तो ये जो ब्लैक एलिमेंट है ये आपका फ्रंट के अंदर भी कार में दिख रहा होता है, और जब यहाँ से यहाँ पर आप चलते हो तो पीछे की तरफ सेम एलिमेंट कैरी फॉरवर्ड करा गया है। अब जब आप यहाँ से थोड़ा दूर से देखते हो तो ये आपको ना टायर से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है दिखता है, और ये जो व्हील आर्चेज हैं इससे लुक बहुत अच्छा आता है। कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें और डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा। जब फ्रंट के अंदर आप बोनट देखते हो तो ये गाड़ी थोड़ी सी बड़ी सी फील देती है, ऐसा लगता है जैसे ग्रैंड विटारा का छोटा वाला भाई हो, बिल्कुल वैसी की वैसी आपको रिजेंबलेंस देते हैं।
बोनट की शेप और जो लाइंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये जो आप सामने वाली DRL वाला सेक्शन है ये चलता हुआ थोड़ा सा इस तरफ भी आपका दिखता है और उसमें थोड़ा सा और यहाँ पर ना आपको डिटेल्स देखने को मिल रही होती है जो कि बहुत अलग चीज़ है। फ्रंट के अंदर डुअल वाइपर आपको सेटअप मिलता है और उसी के साथ में यहाँ पर आपके वाइपर फ्लूइड के पॉइंट। विंडशील्ड की बात करें तो डिसेंट अच्छी विंडशील्ड आपको साइज मिलती है। ये गाड़ी ना कुछ ज़्यादा ऐसे खड़ी शेप में नहीं है, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना एक डिज़ाइन एलिमेंट इज़ गुड। हालांकि अंदर बैठ के हम देखेंगे कि हेडरूम कैसा है, पर अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो इट्स अ गुड डिसेंट डिज़ाइन एलिमेंट जो कि मुझे अच्छा लगा। अब जैसे ही आप इस तरफ आते हो वैसे ही आपको देखने को मिलते हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर अलॉय व्हील्स। सो ये टॉप वेरिएंट जो है इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक मिल रहे होते हैं। और उसी के साथ के अंदर अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो 195/60R16 के आपको इसके अंदर जो टायर है प्रोफाइल वो मिल रही होती है। और अब चलते हैं यहाँ से इस तरफ, तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैसे ही मेरा हाथ जितना बड़ा साइज़ का ORVM मिल रहे होते हैं जिसपे इंटीग्रेटेड आपके इंडिकेटर्स हैं। और उसी के साथ में नीचे की तरफ कैमरा मॉड्यूल, अब जब आप फ्रंट में कैमरा मॉड्यूल देख लेते हो ना तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि भाई लोगों हो सकता है साइड में भी यहाँ कैमरा मॉड्यूल हो। उसी के साथ में यहाँ पर दरवाजे में कुछ इस प्रकार का आपको डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ रनिंग बोर्ड में आपके पास में सिल्वर कलर का जो एलिमेंट है ये एड ऑन आपके पास चल रहा होता है। सो जब आप यहाँ से देखते हो तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। कमेंट करके मुझे बताना कि ये जो नीचे वाला डिज़ाइन एलिमेंट है ये आपको कैसा लगा। अब ड्राइवर के अलावा जो को पैसेंजर हैं उनके लिए भी यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा होता है। अब ये रिक्वेस्ट सेंसर ना मारुति सुजुकी की बहुत सारी गाड़ियों में और में देखने को मिलता है, जिमनी में भी देखने को मिलता है, और ये है बहुत अच्छी चीज़ क्योंकि कई बार क्या होता है आप इस तरफ से भी जाते हो ना तो लॉक या अनलॉक कर रहे होते हो, लॉक करने पर आपके जो ORVM है वो फोल्ड हो जाते हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपका एक जो कहते हैं ना डिज़ाइन एलिमेंट है इन दोनों पिलर्स के बीच में, यहाँ आपके पास में प्लास्टिक का डिज़ाइन एलिमेंट आपको देखने को मिलता है जो कि यहाँ से यहाँ चल रहा है। अब साथ में क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो मारुति सुजुकी एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरी फेवरेट है कि आपको मिलता है टिंटेड ग्लास। अब देखो भाई लोगों, जितने भी लोग कार चला रहे होते हैं और मारुति सुजुकी के टॉप वेरिएंट ओन करते हैं उनको मालूम है कि कई बार पुलिस वाले भी रोक कर ऐसे कर देते हैं, भाई साहब पैसे लगेंगे, चालान कटेगा, आपकी गाड़ी के ग्लास टिंटेड है। पर यू आर लाइक सर ये कंपनी से ही इस तरीके से आ रहे हैं, तो जो पुलिस वाले भाई लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सर टॉप वेरिएंट मारुति सुजुकी की गाड़ियों में टिंटेड ग्लास आते हैं। अब जैसे आप यहाँ से देखोगे वैसे क्रोम की छोटी सी पट्टी की डिज़ाइन एलिमेंट आपके यहाँ तक चल रही होती है, तो हाँ डिसेंट क्रोम का यूज़ है जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, बहुत ज़्यादा क्रोम का उपयोग नहीं है। उसी के साथ में ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में रूफ रेल्स देखने को मिलेगी, खूबसूरत है। आई डोंट थिंक ये फंक्शनल है मगर इसकी वजह से गाड़ी का लुक थोड़ा और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। साथ ही के अंदर ऊपर की तरफ मिलता आपको यहाँ शार्क फिन एंटीना, कमेंट करके बताना कि शार्क फिन एंटीना अच्छा लगता है या डंडी वाला एंटीना अच्छा लगता है। उसी के साथ में पीछे की तरफ हल्की सी जो आपकी कार है वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कूपे शेप, हल्की सी कूपे शेप यहाँ पर आ रही होती है। अब जब पीछे की तरफ देखते हो तो जैसे हम बात कर रहे थे पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, 37 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और उसी के साथ में CNG वाले वेरिएंट के अंदर 10 kg का आपका अंदर की तरफ ये जो जगह है यहाँ पे सिलेंडर लगा हुआ होता है। अब जैसे आप यहाँ से पीछे की तरफ चलोगे वैसे आपको एक छुटकू सा यहाँ पे एक और ग्लास देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आओगे तो कनेक्टिंग टेल लैम्प देखने को मिलेगी। अब ये वाली गाड़ी नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है और ये हमारा रिफ्लेक्शन है। सो पीछे की तरफ जब आप देखोगे तो सबसे पहले सुजुकी का यहाँ पर लोगो है, उसी के साथ में एक छोटा सा पीछे की तरफ रियर वाइपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपके रियर डिफॉगर, ऊपर की तरफ यहाँ पर एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जिसके अंदर वॉशर फ्लूइड का यहाँ आपको एक पॉइंट मिल जाता है। इंटीग्रेटेड एक क्यूट सा आपको यहाँ पर स्पॉयलर देखने को मिलता है, डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से ये जो स्पॉयलर है बहुत खूबसूरत है, छोटा सा नेक्सा का स्टिकर और उसी के साथ में बहुत बड़ी साइज़ की कनेक्टिंग टेल लैंप। जब इसे यहाँ से देख रहे हैं तो अच्छी खासी इसकी शेप है। अब लाइट ऑन करेंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि ये कैसी दिख रही है। जब आप जस्ट गाड़ी अनलॉक करते हो तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो सेक्शन है ये आपका ब्लिंक कर रहा होता है। अब देखो एक तो ना ये पियानो ब्लैक एलिमेंट गाड़ी में बहुत सारी जगह यूज्ड है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और उसी के साथ में ये LED वाला जो सेक्शन है ये भी बहुत खूबसूरत है। फ्रॉन्क्स की इस तरफ हमारी ब्रांडिंग हो गई, इस तरफ स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग हो गई। तो यस दिस कार कम्स विथ स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जब भी कहीं चढ़ रही होती है
तो परफॉर्मेंस में वो हेल्प भी कर रहा होता है और उसी के साथ में जो माइलेज है वो भी एनहांस हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपको चार पार्किंग सेंसर मिल रहे होते हैं, दो इस तरफ दो इस तरफ। डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे और टेक्सबो में बहुत अच्छी लग रही थी। नीचे की तरफ स्कफ प्लेट वाली जो डिज़ाइन है, स्किड प्लेट वाली जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन यहाँ से भी जब आप देखते हो तो इसको और ज़्यादा एसयूवीश लुक में दिख रही होती है। कोने पर लंबे से यहाँ पर दो रिफ्लेक्टर है, आई गेस अभी तक तो मार्केट में इनमें कोई लाइटों वाइटों वाले सीन भी आ गए होंगे। हालांकि मैं इलेक्ट्रॉनिक छेड़खानी थोड़ी कम प्रेफर करता हूँ कार के अंदर, क्योंकि आप समझते हो ना, समटाइम वायरिंग अगर ढंग से नहीं की जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में रियर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, उसी के साथ में यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट, जैसे ही यहाँ आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका जो बूट है वो ओपन हो जाता है। अब देखो इसमें यहाँ ना आपके पास दो बटन है। अब ये तो इस काम का हो गया कि रिक्वेस्ट सेंसर जो दोनों दरवाजों पर है, वैसे के वैसे एक रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर है, पॉकेट में आपकी चाबी है, आप इसको प्रेस करोगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और यहाँ से आप डिक्की ओपन कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये क्या बता रहे, तो हम सबको मालूम है, पर ये वीडियो उन लोगों के लिए जो पहली अपनी ड्रीम कार ले रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना यार सबको मालूम, और मेरे को वो क्लाइंट भी नहीं है। मेरा पता है कौन सा क्लाइंट है, जिसको गाड़ी खरीदनी है और जिसको सही में उस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानना है, और यही वो आप लोगों की फैमिली है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सो थैंक यू सो मच। आइए वापस शुरू करते हैं। तो 310 लीटर का आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिल रहा होता है। अब देखो फायदा नुकसान दोनों है, 310 लीटर के हिसाब से बहुत सारा स्पेस है, मगर सिर्फ एक छोटा सा फैक्टर ये है कि सामान अंदर रखना थोड़ा सा ना ऐसा है कि जो मजबूत हाथ वाले लोग हैं वही रख सकते हैं, पर इस कार में आप वो वाले डिज़ाइन एलिमेंट कर नहीं सकते कि होता है ना यहीं से ही आपका बूट स्टार्ट होगा, यहाँ सामान रख दो, क्योंकि इस गाड़ी को ना थोड़ा एसयूवीश लुक दिया है जो कि एक अच्छी चीज़ है। 310 लीटर के आपके बूट स्पेस में नीचे की तरफ मिल जाती है आपको स्टेपनी, और स्टेपनी जो साइज़ है वो है 195/60R16, तो सेम की सेम साइज़ है, बट ये स्टील रिम है और वैसे भी देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम साइज़ हो गया, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हुआ। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में जो रिकवरी टूल्स हैं उनको रखने की जगह, हालांकि रिकवरी टूल्स सारे के सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा आपके पास में यहाँ पर मटेरियल है, यहाँ पर भी डिसेंट मटेरियल है। उसी के साथ में यहाँ पर मिल जाती है आपको बूट के अंदर एक लाइट, ताकि आप अगर रात में सामान रखो तो आराम से आप सामान रख सकते हो सारा का सारा। कोने पर यहाँ पर आपके पास में हुक मिल जाता है, जिसमें छोटी मोटी अगर आपको कोई चीज़ टांगनी हो तो आप टांग सकते हो। और यहाँ पर मिल जाती है आपको एक पार्सल ट्रे, उसी के साथ में यहाँ पर एक मिल जाता है आपको हैंडल, जिसके थ्रू आप इस तरीके से करके इसको आराम से बंद कर सकते हो। इन शॉक एब्जॉर्वर और स्टड्स की बात करूं तो अच्छी क्वालिटी के आपको स्टड्स मिलते हैं, तो जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो ये ना ऐसे जाता है बिल्कुल आराम से, ऐसे मतलब ज़ोर से आ रहा होता है, जो कि एक अच्छी बात है कि अच्छी क्वालिटी के आपके पास में स्टड्स यहाँ पे यूज्ड है। अब ये तो रही यहाँ की बातें, अब हम चलते हैं सीधे के सीधे अंदर की तरफ और दिखाते हैं कि रेयर में कैसा स्पेस है। ओ माई गॉड, ये फिर से लॉक्ड है। अब देखो दरवाज़ा खोल लेते हैं। अब देखो होता क्या है, इस कार में एक सिस्टम है जो कि हमारे स्विफ्ट में भी हमको मिल रहा होता है, जो कि यह है कि आप दोनों सेटिंग्स कर सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ ड्राइवर वाला डोर खुलेगा, आप चाहोगे तो चारों दरवाजे खुलेंगे। मेरे हिसाब से सिंगल डोर खुलना इज़ अ गुड थिंग। अब गाइस दिखाते हैं आपको पीछे की तरफ जो लोग बैठेंगे उनके हिसाब से क्या स्पेस और बाकी चीज़ें। एक छोटा सा अगर हम पॉइंट भूल गए हो तो यहाँ पर भी आपके पास में कुछ इस प्रकार के पियानो ब्लैक कवर मिलते हैं, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा मर्ज होता हुआ फील दे रहा होता है और अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट दिख रहा होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं दरवाज़ों की। पहले अच्छे क्वालिटी के आपको दरवाजे मिलते हैं जो कि स्टेप्स के अंदर खुल रहे होते हैं, जितनी आप स्टेप चाहोगे उतना ही खुल रहे होंगे। इन ग्रेस और आउट ग्रेस, अंदर बैठना और बाहर बैठने में, टेक्निकल फीचर नहीं बोलते सादा बात करते हैं, अंदर बैठने में और बाहर उतरने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। ये जो रेड वाइन और ब्राउन कलर वाला जो टेक्सचर है, मतलब मैं इसको रेड वाइन ज़्यादा बोलना प्रेफर करूँगा, बिल्कुल वैसा का वैसा दिख रहा होता है। तो ये आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ स्टिचिंग के साथ अगेन आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, यहाँ हार्ड टच मटेरियल मिलता है, पियानो ब्लैक एलिमेंट का यहाँ पर यूज्ड और थोड़ा सा कभी स्पेस। नीचे की तरफ स्पीकर की यहाँ पे आप प्लेसमेंट और उसी के साथ में यहाँ लिखा हुआ बॉटल, तो यहाँ पर आप बॉटल रख सकते हो, डिसेंट स्पेस है, छोटी मोटी बॉटल और छोटा मोटा और सामान यहाँ पर आ सकता है। उसी के साथ में लॉक अनलॉक करने का कुछ इस प्रकार का वही मैकेनिज्म जो मारुति सुजुकी की बाकी गाड़ियों में मिलता है, और यहां से आपके पास लॉक और अनलॉक का सेटअप। अब ये जो रेड दिख रहा है, अगर ये अंदर हो गया तो मतलब लॉक और अनलॉक। अब टिंटेड ग्लास जिसकी हम बात कर रहे थे, अब चलते हैं अंदर। तो जैसे ही आप गाड़ी के अंदर चलते हो कुछ चीजें हो चुकी है चेंज। अब देखो
जहाँ सीट्स एडजस्टेड है वैसे एडजस्टेड है, पीछे की तरफ आपके पास में बहुत सारा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, सो अच्छा खासा आपके पास में लेग रूम है। और उसी के साथ में देखा जाए तो 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट और मेरे हिसाब से करीब करीब इतना आपको स्पेस मिल रहा होता है हेडरूम। तो खली भाई को छोड़ के अगर इंडियन हाइट की बात करें तो डिसेंट आपके पास में हेडरूम मिल जाता है। अगर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपके पास में हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि पीछे की तरफ तीनों जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल है। बीच वाला थोड़ा छोटा है क्योंकि रियर आपका जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप इसको नीचे भी कर सकते हो अच्छा खासा व्यू देखने के लिए। मगर तीनों एडजस्टेबल होना एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग जानते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है। कईयों के अंदर एडजस्टेबल नहीं आते तो होता है ना थोड़ा सा परेशानी हो रही होती है। उसी के साथ के अंदर 60-40 में स्प्लिट होने वाली आपको सीट्स मिल जाती है। तो अगर आपको और ज़्यादा सामान रखना है तो यहाँ से आपने कुछ ऐसे करा, ये सीट यहाँ पे फोल्ड करी, और उसके बाद में अगर आपको थोड़ा और सामान रखना है तो आप सामान रख सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हालांकि एक चीज़ इसके अंदर मारुति सुजुकी और कर देता तो भाई साहब मज़ा आ जाता, वो था कि ये वाला जो पार्ट है अगर इसको थोड़ा और रिक्लाइनेबल किया जाता तो आप ये मानो, हालांकि उसमें कई सारी चीज़ें और बहुत बड़े फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर अगर ये होता तो चुम्मा। उसी के साथ में जो छोटा सा ग्लास बाहर की तरफ लगा हुआ है, जब आप अंदर से देखते हो तो आपको थोड़ी और ज़्यादा एयरी फील हो रहा होता है, क्योंकि ये ग्लास जो है ना ये आपके दोनों तरफ आ जाता है, तो आप समझ रहे हो ना बैठने में थोड़ा और ज़्यादा गुड फील आपको मिल रहा होता है। पार्सल ट्रे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बस यहाँ पर एक चीज़ मुझे अलग से ये लगी कि यहाँ पर ना सेंट्रल हेडरेस्ट जो है हैंडरेस्ट वो मिसिंग है। मगर क्योंकि सेंट्रल हेडरेस्ट अगर होता है हैंडरेस्ट होता है तो उसकी वजह से एक डिसएडवांटेज मुझे पर्सनली लगता है कि अगर मेरी गाड़ी में तीन लोग बैठते हैं तो क्योंकि यहाँ पर होता है तो ये जो कम्फर्ट रहता है ना अभी जो सीट का इस वक्त कम्फर्ट है वैसा कभी भी उस सीट के अंदर नहीं होता। तो जो भी लोग बेचारे बीचों बीच बैठ रहे होते हैं वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप इस बात से कितना सहमत हो। अब हम आ जाते हैं वापस, सो गाड़ी में उछल कूद मचा रहे हैं यहाँ से वहाँ कार के अंदर। अब सबसे पहले ये जो सीट है ना इसमें थोड़ा सा आपको एक डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा। सेंटर वाला तो इसी तरीके से है, मगर जैसे आप यहाँ देखोगे तो आपको दिख रहा है हल्का सा उभरा हुआ ऊपर है। अब होता क्या, उसकी वजह से फ़ायदा आपके पास में थोड़ा सा ना लेग रूम जो है वो अच्छा मिलता है और अंडर थाई सपोर्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। मतलब लेग रूम में तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, पर आपका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है। पीछे वाली सीट है, इनका फैब्रिक अच्छी डिसेंट गुड क्वालिटी। अब क्योंकि ये रेक्सिन नहीं है, फैब्रिक है, मतलब नॉर्मल फैब्रिक जो है, इसकी वजह से गर्म होने वाली शिकायतें नहीं होगी इसके अंदर। अब यहाँ पर जब आप देखते हो तो रेयर के अंदर आपको एसी वेंट्स मिल जाती है, और एसी वेंट के साथ में यहाँ पर मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट। हम क्या करते हैं, हमारे पास क्योंकि एक्शन कैमरा है तो आपके पास में यहाँ डुअल चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। अब यहाँ जब आप देखोगे तो आपके पास अच्छी बात क्या है कि ये तो आ गया आपका सी टाइप और ये आ गया ए टाइप, तो आपके पास दोनों प्रकार के पोर्ट्स मिल जाते हैं। और उसके साथ में यहाँ पर नीचे की तरफ और जगह जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। अब इन सीट्स की बात करो तो पीछे की तरफ यहाँ पर आपके पास में सामान रखने के लिए, मैगजीन्स वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है। और उसी के साथ के अंदर आपको मिल जाती है ऊपर की तरफ एक रीडिंग लैम्प, तो यहाँ पर आपके पास में एक रीडिंग लैम्प मिल जाता है जो कि येलो कलर का है। और इस तरफ आपको मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल। अब जो ग्रैब हैंडल में एक छोटी सी चीज़ मिसिंग है जो बहुत सारी गाड़ियों में रैंडमली आ रही होती है, वो है हुक टांगने का एक पॉइंट। तो आई विश छोटा सा हुक टांगने का एक यहाँ पॉइंट होता तो मज़ा आ जाता। उसी के साथ में SRS एयरबैग की यहाँ ब्रांडिंग, तो यस नाउ दिस कार कम्स विथ 6 एयरबैग्स। तो यस, आपने बिल्कुल सही सुना, सेफ्टी फीचर्स के अंदर अब फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे होते हैं, जो कि सेफ्टी रेटिंग को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जैसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो अच्छा है, गाड़ी में एयरबैग्स होने चाहिए। पीछे की तरफ देखा जाए तो आई एम टोटली कंफर्टेबल, बहुत अच्छा खासा आपको स्पेस मिल रहा होता है, और सीटों का कलर और बाकी चीज़ों की वजह से ना यू फील एयरी। ऊपर की तरफ हल्का सा आपके पास में क्रीम जिसे कहते हैं ना वाइट कलर का इंटीरियर हल्का सा वैसा मिल रहा होता है। अब दोस्तों यहाँ से चलते हैं हम आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको बाकी सारी चीज़ें। सो जैसे ही यहाँ से आपको पैसेंजर साइड चलते हो, सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंसर, दरवाज़ा खोला, पूरा का पूरा आपका दरवाज़ा खुल रहा होता है स्टेप्स के अंदर जहाँ भी आप चाह रहे होते हो। बहुत सारा यहाँ पर आपके पास में स्पेस जिसमें पानी की बॉटल और बहुत सारा और चीज़ें रख सकते हो, हार्ड प्लास्टिक, सॉफ्ट टच मटेरियल, उसी के साथ में सॉफ्ट टच मटेरियल और उसी के साथ में हार्ड टच मटेरियल, अगेन हार्ड टच मटेरियल। यहाँ पर आपके पास में हल्का सा
गोल्डन ब्राउन कलर का हल्का सा एक एक्सेंट दिया गया है एंड भाई साहब ये खूबसूरत लग रहा है। लॉक अनलॉक करने का मैकेनिज्म और साथ के अंदर पियानो ब्लैक यहाँ पर आपके पास में कुछ एलिमेंट एड ऑन है। अब ये पियानो ब्लैक भी आप ढंग से देखोगे ना तो इसके अंदर हल्के से ना जो दाने आते हैं ना मल्टी कलर कलर वाले वैसे दिए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा और कूल सा खूबसूरत लग रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास स्पीकर का प्लेसमेंट और उसी के साथ में इनग्रेस आउटग्रेस में ना होने वाली बिल्कुल भी प्रॉब्लम। अब ये तो रही यहाँ की बातें, अब बैठते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं बाकी चीज़ें। इस तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में सीट को रिक्लाइन करने का ऑप्शन मिल रहा होता है, बोलते बोलते ऑप्शन मिल रहा होता है, और उसी के साथ में बकेट फिनिश यहाँ आपको सीट्स मिल रही होती है, अगेन फैब्रिक के अंदर आपको मिलती है। एयरबैग का यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंबल, तो यस जो हम 6 एयरबैग की बात कर रहे थे तो एयरबैग आगे की तरफ सीटों में भी लगे हुए कर्टन, और उसी के साथ में बहुत ही बड़ी साइज के आपको हेडरेस मिल रहे होते हैं। सो कमेंट करके मुझे बताना इतने बड़े हेडरेस मारुति सुजुकी के अलावा कोई दूसरी कंपनी दे रही होती है क्या, और कंफर्टेबल कितने हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना जो भी लोग इस प्रकार की कोई भी कार है उसको यूज कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो एक तो यहाँ से आपको सीट जो है उसको आप आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हो, देख पा रहे हो आप। अब दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हम दरवाजा बंद ही कर लेते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में ट्विटर का प्लेसमेंट, सो हम जो बात कर रहे थे 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलते हैं। आर्कमीज म्यूजिक सिस्टम सुनने में तो देखो बहुत ज्यादा कूल लगता है ये। अब ऐसा है मुझे साउंड अच्छा लगा है सुनने के अंदर, आप लोग मुझे बताना कि आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी आर्कमीज की। और ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे पास में सनशेड जो है उसमें हमको मिल जाता है वैनिटी मिरर और लाइट दोनों चीज़ें। साइड के अंदर इसको आप फोल्ड कर सकते हो, क्या एक्सटेंड कर सकते हो, नहीं एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो फ्रंट के हिसाब से अच्छा है, साइड के हिसाब से आई विश इसके अंदर यहाँ से कुछ एक्सटेंड करना है वैसा होता तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। बट इस प्राइस सेगमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, पर आई विश होता तो मज़ा आ जाता। उसी के साथ में यहाँ पे हमको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, 2-pointer सीट बेल्ट मिल जाता है जिसके अंदर हमारे पास प्री टेंशनर और लिमिटर दोनों चीज़ें मिलती है। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में मिल जाता है एक ग्लव बॉक्स जिसकी अच्छी खासी डिसेंट साइज है, अच्छा खासा डीप हमारे को ग्लव बॉक्स मिलता है, पर लाइट वाइट कुछ नहीं आती। आई विश आती तो और अच्छा हो जाता। आई विश तो ये जो शब्द है ना आई विश, ये कहीं पर भी जोड़ दो, ऐसा लगता है कि और ले लो और ले लो, करते करते इंसान मारुति से मर्सिडीज बना देता है। पर फिर भी अगर होता तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता छोटी छोटी चीज़ों से। यहाँ पर हमारे पास में अगेन रेड वाइन का जो है इंटीरियर है वो मिल रहा होता है। ऊपर की तरफ हमारे पास में जो गोल्डन ब्राउन कलर का यहाँ पर आपके पास में एक्सेंट देखने को मिलेगा, जैसा यहाँ वैसा का वैसा यहाँ पे। अब दोस्तों अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास में कुछ इस प्रकार से सिल्वर कलर का एक और एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ SRS एयरबैग की ब्रांडिंग और उसी के साथ में यहाँ पर कुछ फिन्स जिसकी वजह से आपका जो ग्लास है वो डिफॉग हो जाए। उसी के साथ में AC वेंट जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, क्लोज और ओपन करने की जगह। उसी के साथ में प्रॉपरली हल्का सा यहाँ पर एक कर्व बना हुआ है ताकि हवा का थ्रो प्रॉपरली आता रहे, और उसी के साथ में यहाँ का हमारा कोर्स हो जाता है पूरा। इस तरफ देखा जाए तो आपके पास में अगेन सिल्वर कलर का एक एलिमेंट जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलता है जो थोड़ा सा इसको और प्रीमियम फील बना रहा होता है। और अब इधर की तो हमने सारी बातें कर ली, अब हम चलते हैं सीधे ड्राइवर साइड और देखते हैं ड्राइवर साइड और क्या क्या स्पेशल है। अब दोस्तों ड्राइवर साइड है बहुत सारी और स्पेशल चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगेन रिक्वेस्ट सेंसर, गाड़ी लॉक, गाड़ी अनलॉक। अब जैसे आप दरवाजा खोलते हो वैसे ही आपके पास में हार्ड टच मटेरियल मगर सॉफ्ट टच मटेरियल और सॉफ्ट टच मटेरियल, वही पियानो ब्लैक एलिमेंट, ORVM एडजस्ट करने के लिए आपके पास में यहाँ बटन, और उसी के साथ में फोल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिलता है। वही गोल्डन कलर का एलिमेंट, आपको गोल्डन ब्राउन कलर का एलिमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके पावर विंडो के स्विच है जिसके अंदर आपको ड्राइवर साइड एंटी पिंच ऑटो आपको मिल रही होती है, बाकी सारी की सारी मैनुअल मिल रही होती है। पीछे वाली पावर विंडो काम ना करे उसके लिए यहाँ बटन, और उसी के साथ में लॉक और अनलॉक करने का यहाँ आपको बटन मिल जाता है। जब इस तरफ आप देखते हैं तो मैन्युअली हाइट एडजस्टेबल आपको मिल जाती है ड्राइवर सीट, सो आप अपने हिसाब से मैन्युअली ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही के अंदर क्या टायर प्रेशर होना चाहिए वो इस तरफ आपको लिखा हुआ है कि ये टायर एयर प्रेशर होना चाहिए। साथ में चैसी और इंजन नंबर वगैरह जैसी सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है, फ्यू लिटिल डिटेल्स। अब जब आप इस तरफ देखते हो तो सबसे पहले आपके पास में एक छोटा सा डेड पैडल मिल जाता है, ये हमारे पास मैनुअल है, ऑटोमेटिक होती तो दो ही पैडल होते। उसी के साथ में आपको जो हुड है वो ओपन करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, और उसी के साथ में अगर फ्यूल लिड ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हो। हम दोनों को दबा देते हैं तो अच्छे खासे आपको गुड क्वालिटी यहाँ बटन मिलते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास थोड़ा और कभी स्पेस जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो, यहाँ भी बॉटल रख सकते हो और छोटा मोटा सामान यहाँ पर भी रख सकते हो।
अब बैठते हैं अंदर की तरफ और करते हैं सीट एडजस्ट। तो सबसे पहले एक तो वही खूबसूरत आपको मिलता है यहाँ पर स्टेयरिंग। अब ये मुझे अच्छा लगता है, मतलब कई लोगों के लिए अच्छा बुरा हो सकता है, पर फॉर मी आई लाइक दिस स्टेयरिंग। मेरी स्विफ्ट में चलाते चलाते मेरी अच्छी खासी आदत हो रखी है। यहाँ पर आपके पास में हल्का सा ग्रिपी पैटर्न मिल जाता है। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसमें ना ये वाला जो पार्ट है ये सिल्वर ना होकर आपका ब्लैक कलर में पियानो ब्लैक जो एलिमेंट है वो एड ऑन करा गया है, तो मतलब आई लाइक दिस। अब ये तो रहे यहाँ की बातें, और पर उससे पहले, क्योंकि बहुत बड़ा थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, पर उससे पहले इधर देख लेते हैं। एक छोटा सा आपको हैंडरेस्ट मिलता है जिसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो। अब इसके नीचे की तरफ बटन मिलता है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। हैंड ब्रेक मैनुअल आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, और उसी के साथ में आपको 5-speed ट्रांसमिशन 5+1। अगर यही ऑटोमेटिक होती तो 6-speed आपके पास में ट्रांसमिशन होता, मतलब 6+1। और यहाँ पर आपको मिलता है थोड़ा सा स्पेस जिसके अंदर आप छोटे मोटे ग्लास वगैरह रख सकते हो। छोटा मोटा स्पेस यहाँ पर भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये बहुत थोड़ा सा स्पेस है। जैसे चाबी वाबी कोई चीज़ को रखना, उससे ज़्यादा आप यहाँ कुछ नहीं रख सकते। आगे की तरफ यहाँ पर, अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मिलता है आपको वायरलेस फ़ोन पैड। अब एक तो ना गाड़ी ऑन कर लेते हैं। सो ऑन करते ही ORVM बाहर खुल गया, और उसी के साथ में बाकी सारी की सारी चीज़ें कुछ इस प्रकार से दिख रही होती है। अब एक तो आपको यहाँ पर फ़ोन चार्जिंग का पैड मिल जाता है। अब वायरलेस होना इज़ अ गुड थिंग। मेरा फ़ोन थोड़ा सा बड़ा है, क्या चार्ज होगा यार, उस पर कवर लगा हुआ है। यस, तो मेरा फ़ोन यहाँ पर चार्ज होने लग गया है। फ़ोन चार्जिंग होते ही ये ब्लू हो जाता है, और यहाँ पर आपको मिलता है एक USB पोर्ट A, और उसी के साथ में यहाँ पर मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट। तो ये 12 वोल्ट का जो सॉकेट है ये एक अच्छी चीज़ है। टायर इन्फ्लेटर वगैरह जैसी चीज़ें यहाँ लगा सकते हो। थोड़ा सा नीचे की तरफ हिडन आपके पास में कुछ ऐसा दिखता है, आई विश यहाँ पर भी कुछ हो सकता था, आई विश। उसके साथ में आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। सो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर आपके पास में क्या ये ऑन हो गई, यस, धुआंधार। Please fill the tank immediately. अब सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है जिसमें फैन स्पीड, कहाँ पर आपको एयर थ्रो चाहिए, और उसी के साथ में लो हाई का आपको सिंबल दिख रहा होता है। अब ये बटन जो है ये थोड़े से कूल अच्छे दिखते हैं, काम में लेने में भी अच्छे रहते हैं इस प्रकार से बटन, क्योंकि आप बार बार काम में ले रहे होते हो। साथ ही के अंदर एयर टेम्परेचर लो या हाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब उसी के नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास कुछ और बटन मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एयर सर्कुलेशन अंदर या बाहर, AC ऑन या ऑफ, उसी के साथ के अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट और रियर डिफॉगर, और साथ में कहाँ पर आपको एयर थ्रो चाहिए उसके लिए बटन मिल जाता है। ऊपर की तरफ बीचों बीच यहाँ पर आपको कुछ और पियानो ब्लैक एलिमेंट दिखने को मिलता है। AC वेंट आपको यहाँ पर भी मिलती है, और बिल्कुल डिसेंट अच्छी हाइट के ऊपर आपको AC वेंट्स है। हो सकता है थोड़ा सा अगर आप इस तरफ कर दोगे तो ये हाथ पे थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा करेगा, मगर आप सेंटर में भी रखोगे तो भी ठीक है। बीचों बीच हैज़र्ड लाइट का आपको बटन मिल जाता है, और उसी के ऊपर की तरफ आपको मिलती है स्क्रीन। अब मैं लाइट ऑफ़ कर देता हूँ। सो स्क्रीन की बात करें तो अच्छा खासा इसका थ्रो है, और अगर मैं फ्लूडिकनेस की बात करूँ तो अच्छी खासी फ्लूडिक स्क्रीन है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। और ये जो है ये आपको बाकी जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें सब में देखने को मिलता है, सेम का सेम ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मारुति सुजुकी की सारी गाड़ियों में सेम आ रहा होता है। हमने XL6 के टाइम इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आई विश हम वापस, आप अगर बोलोगे तो हम इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड कंटेंट बना देंगे। नीचे की तरफ अब मैं हल्की सी लाइट ऑन कर लेता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में टच स्क्रीन के अंदर कुछ और बटन्स मिल जाते हैं, जैसे स्क्रीन अगर आपको ऑफ करनी है या ऑन करनी है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, म्यूट करना है, वो सारे के सारे बटन आपको यहाँ मिलते हैं। अब ये रही यहाँ की बात है, ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपके पास में ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है। सो अपने आप स्क्रीन की इसकी मतलब कहते हैं ना डिमिंग, जो कहते हैं क्रोमेटिकनेस, वो कम और ज़्यादा हो जाएगी जैसे इस पर रोशनी पड़ेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास लाइट मिल जाती है जो कि येलो है, और साथ ही के अंदर जो इधर की तरफ है भी आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, और उसके अंदर भी आपको एक छोटी सी लाइट मिल जाती है। और ये रही यहाँ की बात है। अब मैं स्टेयरिंग की बात करूँ तो सेंटर में हमारे पास में यहाँ पर मिलता है सुजुकी का लोगो। राइट हैंड साइड क्रूज कंट्रोल, तो यस इसमें हमको क्रूज कंट्रोल मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ऑडियो कंट्रोल, और नीचे की तरफ फ़ोन काटना बंद करना और बाकी जो कहते हैं ना वॉइस असिस्टेंस, उसका फंक्शन मिल जाता है। और साथ ही के अंदर मिलता है आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक, तो आप अपने हिसाब से जहाँ भी स्टेयरिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हो। राइट हैंड साइड हमारे आ जाते हैं लाइट्स के कंट्रोल, और इसके अंदर आपको मिलता है ऑटो हेडलैम्प, और लेफ्ट की तरफ मिल जाता है आपको पास में वाइपर कंट्रोल, पर आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिल रहे होते।
अब ये रही यहाँ की बातें, राइट हैंड साइड की तरफ हमको मिल जाता है पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व है, उन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताते हैं। अब सबसे पहले एक तो बहुत कूल इसमें जो फीचर्स हैं उनमें से एक है हेड्स अप यूनिट। सो हेड्स अप यूनिट जो है, मैं अभी चेक करता हूँ, मैंने गाड़ी पिछली बार ऑन कर रखी थी, उसी के बाद में हेड्स अप यूनिट निकाली थी। आई गेस ऐसे नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे पास हेड्स अप यूनिट के लिए मॉड्यूल लगा हुआ है और कुछ इस प्रकार से दिखने वाला डैशबोर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं गाड़ी ऑन कर लेता हूँ, तो सबसे पहले न्यूट्रल चेक चेक चेक, और साथ के अंदर हम करते हैं कार को स्टार्ट। अब करते हैं हेड्स अप यूनिट का शुभारंभ। तो अब जब यहाँ से देखोगे आई गेस आपको दिख पाए, ये जो हेड्स अप यूनिट है भाई साहब, बहुत प्यारा सा छोटा सा कांच है। ये जो हेड्स अप यूनिट है इसके अंदर अभी लो फ्यूल लिखा हुआ आ रहा है, तो जब आप ड्राइव करते हो, हेड्स अप यूनिट का सबसे बड़ा फायदा है जब आप ऐसे कार चलाओगे तो उस टाइम आपके पास में, यहाँ आपके पास में बेसिक इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हेड्स अप यूनिट जो है उसकी ब्राइटनेस को और साथ में उसके एंगल को, मतलब कहाँ पर वो दिखना चाहिए, उसको आप इन सारे बटन से एडजस्ट कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है यहाँ से उसको ऑफ कर सकते हो। साथ ही के अंदर 360 कैमरा जो है उसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपको 360 कैमरा के अंदर पूरी गाड़ी दिख रही होती है, और अच्छा जिसे कहते हैं ना, अच्छा दिखने वाला, इसको मैं यहाँ से रोक देता हूँ, अच्छी खासी आपको गाड़ी दिख रही होती है चारों तरफ। जहाँ भी आप देखना चाहो वहाँ पे आप सराउंडिंग के अंदर, जैसे अभी आंटी के पैर इधर उधर जा रहे हैं, आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। जहाँ भी आप रोकोगे वो बिल्कुल वहीं की वहीं रुक जाती है, और कुछ इस प्रकार से आपको बड़े में दिख रही होती है, दिखने में खूबसूरत भी लगती है ये वाली चीज़। अब इस तरफ आपके पास में हेडलाइट लेवलाइजर मिल जाता है और उसी के साथ में ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का यहाँ पर बटन। अब ये रही यहाँ की बातें, अब करते हैं कुछ और क्या क्या बचा हमारा। अब सबसे पहले एक तो ये वाली स्क्रीन। अब गाइज ये वाली जो स्क्रीन है इसके अंदर आपको 220 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दिख रही होती है। नीचे की तरफ फ्यूल गेज और इस तरफ टेम्परेचर और साथ के अंदर 8000 आरपीएम का मीटर। बीचों बीच आपके पास में छोटी सी स्क्रीन है जिसके अंदर आपके पास में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और बाकी सारी चीज़ें आ जाती है। हम इसको टैप करते हैं तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर इसके अंदर दिख रहा होता है किलोमीटर पर लीटर का क्या माइलेज है, वो सारी चीज़ें, ड्राइविंग टाइम, उसी के साथ में टोटल आइडियल टाइम, स्टार्ट एंड स्टॉप, बीचों बीच क्लॉक, और उसी के साथ में मोशन जो है ये आपके पास में हल्का फुल्का जायरोस्कोप टाइप का, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो ये दिखा रहा होता है कि राइट लेना है लेफ्ट, मतलब आप इधर उधर गाड़ी चलते हुए कितना मूव कर रहे हो। और उसी के साथ में टॉर्क एंड पावर के कुछ इस प्रकार से आपको ग्राफिक और एक्सेलरेशन ब्रेक के ग्राफिक्स, साथ के अंदर इंजन मोटर और बैटरी जो है उसका आपको यहाँ पे ग्राफिक दिख रहा होता है। ये तो रहा इधर की तरफ, और इस तरफ वाला जो है यहाँ पर भी आपके पास एक बड़ा सा पॉइंटर है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो नीचे की तरफ आपके पास में ट्रिप ए और बी, उनको एडजस्ट कर सकते हो। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आप इसको, ये वाला जो है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। आप बोलोगे तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना, अगर आप बोलोगे तो जो स्क्रीन है इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको स्क्रीन्स के बारे में सब कुछ बता दें। अच्छी ठंडी ठंडी हवा वाला आपके पास में एसी यहाँ पे आपको मिल रहा होता है। कूलिंग जो है वो बहुत अच्छी है, जैसे आप गाड़ी ऑफ करते हो वैसे हेड्स अप यूनिट अपने आप बंद हो जाती है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं आपको इंजन बे। अब गाइस बात करते हैं इंजन की, तो सबसे पहले एक तो हमने ये वाला हैक स्टार्ट कर दिया कि हम पहले ही बोनट को लगा देते हैं, अकेले हाथ से सारे काम नहीं हो रहे होते। एक तो बोनट जो है इसका भाई साहब ऊंचे करने के जो एंगल है ना, ये किसी भी और गाड़ी में मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं इंजन की, तो इसके अंदर आपको कुल मिला के दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। ये जो हमारे सामने है ये 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट इंजन है, जो लिखा है ना बूस्टर जेट। सो बूस्टर जेट जो इंजन है वो ज़्यादा पावरफुल है, जो कि 100.6 PS पावर जनरेट करता है और साथ के अंदर 147.6 Nm टॉर्क। तो मतलब ये वाला जो इंजन है ये पावरफुल इंजन है टर्बो के साथ में, तो इसका किक इन बिल्कुल अलग ही होगा। दूसरा 1.2 लीटर का जो K सीरीज का डुअल जेट डुअल VVT इंजन जो है वो इससे थोड़ा लेस पावरफुल होगा, लेस जैसे कहते हैं ना भागने में उस तरीके से। और वो जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 89.73 PS पावर और 113 Nm टॉर्क। तो मतलब 1.2 लीटर इंजन थोड़ा बड़ा है मगर पावर कम जनरेट करता है, इंजन साइज में छोटा है मगर टर्बो होने की वजह से और उस हिसाब से ट्यून करने की वजह से ये वाला इंजन थोड़ा ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा होता है। छोटी सी यहाँ पर हमारे पास बैटरी, बिल्कुल क्लीन इंजन बे, और उसी के साथ में यहाँ वॉशर फ्लूइड लगाने का पॉइंट आ गया। अब ये रही यहाँ की बातें, अब करते हैं छोटी मोटी और बातें। अब सबसे पहले एक तो इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें आपको मिलते हैं पेडल शिफ्टर, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसी के साथ में 6 एयरबैग,
5-speed ऑटोमेटिक, 5-speed मैनुअल, 6-speed ऑटोमेटिक आपको मिलता है, हिल होल्ड जैसे सारे के सारे फीचर मिलते हैं, ABS EBD जैसे सेफ्टी फीचर जो है ब्रेकिंग मैकेनिज्म के वो भी आपको मिल रहे होते हैं, 360 कैमरा आप लोगों ने देख ही लिया है। ओहो भाई साहब अभी दिवाली की सफाई, पेड़ वेड़ तोड़ रहे हैं, सो पेड़ वेड़ की छंगाई करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, बीच में ऑफ द टॉपिक, क्योंकि पेड़ों को जब आप इस तरीके से क्लीन करते हो तो उसके बाद में वो और अच्छे खिल के निकल रहे होते हैं। अब जो है इसका लोअर वेरिएंट, उसके अंदर आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलती है और टॉप वेरिएंट में 9 इंच की आपको स्क्रीन मिल रही होती है। ये तो सारी बातें कर ली, और क्या क्या है, वायरलेस, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें आपको मिल रहे होते हैं, और उसी के साथ के अंदर इस कार के अंदर यहाँ से कुछ इस प्रकार से आप फ्यूल लिड जो है उसे खोल सकते हो, क्योंकि इसमें DF नहीं डलता तो वो इशू भी नहीं है। उसी के साथ के अंदर आपको फ्रॉन्क्स के अंदर मिलते हैं एक तो eSIM, जिसका 3 साल का आपको रिचार्ज जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल रहा होता है, जिससे आप अपनी कार को ट्रैक कर सकते हो, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कहाँ पर जा रही है, उसमें फ्यूल कितना है, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, और उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। मारुति सुजुकी की ऐप है, आप किसी भी शोरूम पर जाओ, इन लोगों से पूछो आपकी गाड़ी का KYC अगर हो रखा है तो आपको, आप एलिजिबल हो उस चीज़ के लिए, तो आप फ़ोन के जो ऐप है उसमें 40+ फीचर्स डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो आपको 310 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। CNG के अंदर कंपनी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव, उनका कहना है कि 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है, और ये रही यही सारी बातें। अब आपको सेल्स टीम से मिलवाते हैं और जानते हैं कुछ छोटे मोटे और पॉइंट। सो दोस्तों, गाड़ी हमने ऑन कर ली है, कुछ और चीज़ें आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले हमारे भाई से मिलवाते हैं, तो वेलकम, वेलकम बैक, और सबसे पहले हल्का सा नाम और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम निरंजन शर्मा है, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर सत्ताम नेक्सा VKI। ओके, और किसी को भी अगर एक्सपीरियंस लेना हो नेक्सा का जी, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। थैंक यू, हमारे लोग आपको परेशान करते रहेंगे और आपसे बहुत सारे कार रिलेटेड सवाल पूछते जाएंगे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका आप मुझे जवाब दो इस गाड़ी के बारे में। सो जो फ्रॉन्क्स हैं, एक तो इसकी ना अप्रॉक्स कीमत कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है? इसका बेस मॉडल से एक्स शोरूम प्राइस 7,40,000 अप्रॉक्स, और टॉप एंड वेरिएंट तक ऑटोमेटिक में जाता हूँ तो 13 लाख तक एक्स शोरूम हो जाता है, जो कि आज डेट कितने आ जाए, 1 अक्टूबर 2023। यस सर, पहली चीज़ तो हो गई है। दूसरा, इसका सर्विस इंटरवल क्या है और उसकी अप्रॉक्स कॉस्ट क्या आती है? सर्विस इंटरवल इसका पर 10,000 किलोमीटर्स की सर्विस रहती है, पेड सर्विस, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट अप्रॉक्स 3,500 to 4,000 डिपेंडिंग आप क्या तोड़ रहे हो, क्या इज्जत से चला रहे हो उस तरीके से। थर्ड सवाल, कौन कौन कितने कलर्स हैं अप्रॉक्स गाड़ी के अंदर? 5 कलर्स अवेलेबल हैं, और तीन डुअल टोन हो गए। यस सर, 3 डुअल टोन और 5 कलर आपके पास में ऑप्शन है, जिसके अंदर हो गया व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, ग्रे, ब्लू, ब्राउन एंड रेड। नाइस, तो ये सारे हमारे पास कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अब पहले मैं लाइटें दिखा देता हूँ कुछ, आई गेस इस वीडियो में हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लिए। yes. फिर भी कुछ रहे तो आप गाइस कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना, आप भैया से भी बात करना, मुझसे भी बात करना, विल ट्राई कि हम इस चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेजेबल चीज़ें बताएं। बिल्कुल. आप एक बार आप अंदर चले जाओ ताकि मैं कुछ चीज़ें आपकी हेल्प ले लूँगा। अब सबसे पहले गाइस कुछ इस प्रकार से आपको DRL दिखती है, नीचे की तरफ लाइट्स की मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार का लाइट का थ्रो है। अब मैं टेल लैम्प की अगर बात करूं तो अब आपको दिखाते हैं टेल लैम्प की डिज़ाइन, तो कुछ इस प्रकार की आपको इस गाड़ी में टेल लैम्प देखने को मिलती है। एक बार आप रिवर्स की लाइट जलाना, रिवर्स का सिर्फ गियर डालना, रिवर्स जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में रिवर्स की छोटी छोटी दो लैम्प दिख रही होती है। अब नॉर्मल कर दो, नॉर्मल कर दो वापस, और अब है ना ब्रेक लगाओ ताकि मैं हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी दिखा दूँ। सो कुछ इस प्रकार से हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिख रहा होता है। अब गाइस कमेंट करके मुझे बताना कि ये लुक आपको कैसा लगा। अब ये तो रही यहाँ की सारी बातें, अब हम बात करते हैं गाड़ी की ऑल ओवर साइज की, कि क्या ऑल ओवर अगर साइज है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गाड़ी की ऑल ओवर जो लेंथ है उसकी, तो 3995 आपको mm इसकी ऑल ओवर लेंथ मिल रही होती है। अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो 1765 आपको ऑल ओवर इसकी mm के अंदर विड्थ मिलती है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो 1550 आपको ऑल ओवर हाइट मिलती है। अगर मैं बूट स्पेस की बात, व्हील बेस की बात करूं, सॉरी, तो 2520 आपको mm इसके अंदर ऑल ओवर जो व्हील बेस है वो मिल रहा होता है। आई होप फिर भी भाई लोगों अगर कुछ बच जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, विल ट्राई कि उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं।
अब प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, घर के जितने फ़ोन हैं सबसे मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाना, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर होंगे ना उतने ही ज़्यादा हमको गाड़ियाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और हमको जब कार मिलेगी तो ही मैं आपके लिए कंटेंट ला पाऊँगा। तो देखा जाए तो मैं, आप इमेजिन कर सकते हो ना कि 6 महीने पहले कार लॉन्च हो चुकी, पर अब जाके मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, पर धीरे धीरे ये चीज़ें नहीं होगी। आई होप कंटेंट में आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। अब वीडियो को एंड करते हैं। सतनाम नेक्सा का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाओ एक्सपीरियंस करके आओ। तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। बाय बाय।